अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत टीपू सुल्तान स्टेटस एडिट करेंगे हम ऑल एडमिशन ऐप पे, तो आपको ऑल एडमिशन में से के पेल्ट और बीट मैप प्रीसेट है और दोनों भी आपके ऑल एडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको एक्सएमएल फाइल चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप एक्सएमएल फाइल और वहाँ पर MP3 म्यूज़िक है वो भी डाउन कर लेना है। यहाँ पर बीट मैप प्रीसेट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बीट मार्क है और MP3 म्यूज़िक ने, तो फर्स्ट में MP3 म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट में आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं जो एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में MP3 म्यूज़िक निकालने के लिए तो इस वीडियो पर टाइप करता हूँ, थ्री डॉट पर टाइप करना है और स्ट्रेट ऑडियो करना है। अब जो MP3 म्यूज़िक है एक बात में यहाँ पर ये वीडियो को डिलीट कर लेता हूँ। अब जो MP3 म्यूज़िक है एक बात में आपको यहाँ पर 11:14 पॉइंट पे आना है। तो ये जो शेप है MP3 म्यूज़िक ऐड करके बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा जो काट देना है, पहला MP3 म्यूज़िक ऐड करके बाद में इस शेप को इधर से काट देना है। अब जो है बैक करना है और से के पेट पे आकर यहाँ पर ये रेक्टेंगल है इस पर टाइप करना है, एफर्ट्स पे आना है, थ्री डॉट पे आना है, एफर्ट कॉपी कर लेना है और उसके बाद बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करना है और ये रेक्टेंगल पे टाइप करना है, एफर्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट में आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, यहाँ पर कमिंग जोन है इस पर टाइप कर लेना है, PNG सेलेक्ट कर लेना है। ये PNG जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो PNG को जहाँ तक बिट मार्क है वहाँ तक ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, 20 नवंबर पे टाइप कर लेना है और इसको भी जहाँ तक बिट मार्क है 6 पॉइंट्स तक ऐड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर 6 पॉइंट्स पे आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान जो PNG है इस PNG पे टाइप करना है, ये भी 11:14 तक ऐड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है एक वीडियो ऐड करना है जो टाइगर का, तो वीडियो को यहाँ पर 11:14 पे आना है, यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, तो यहाँ पर ये वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो पे टाइप करना है, थ्री डॉट पे टाइप करना है, फुल कॉम्पस एरिया पे टाइप कर लेना है, फुल स्क्रीन हुए के बाद में, और यहाँ पर जो 12:10 तक ऐड करना है होता ही, और यहाँ से एक्स्ट्रा जो काट देना है और इसमें साउंड रहेगा वो साउंड जो है फुल आप कम कर लेना है। और इसके बाद में आप यहाँ से सारे इमेज ऐड कर लेना है, यहाँ पर बैक करना है, 6 KB में आना है, यहाँ पर PNG टाइप करना है, एफर्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, कॉपी कर लेना है, उसके बाद बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके PNG टाइप करना है, एफर्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे पेस्ट कर लेना है और PNG टाइप करके एफर्ट पे जाकर थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट कर लेना है। तो इस PNG में एफर्ट पेस्ट कर लेना है तो उसके बाद में यहाँ पर सारे इमेज ऐड कर लेना है, यहाँ पर प्लस करके मीडिया टाइप करके यहाँ पर प्लस करना है, थ्री डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पस एरिया टाइप करना है, यहाँ पर एकदम टाइप करके यहाँ से एक्स्ट्रा काट देना है, प्लस करके मीडिया टाइप करके दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पस एरिया टाइप कर लेना है और यहाँ पर एकदम टाइप करके यहाँ से एक्स्ट्रा काट देना। तो इसी तरह आप सारे में इमेज ऐड कर लेना, मैं तो सारे में इमेज ऐड कर लेता हूँ तो वीडियो स्किप करता हूँ। अब जो इमेज ऐड करे बाद में बैक करना है और से कैपेट ओपन कर लेना है, तो फर्स्ट इमेज पे टाइप करना है, एफर्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, एफर्ट कॉपी कर लेना है, बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके तो यहाँ पर 12:35 पे जो इमेज इसमें पेश करना है और 12:48 पे और 13:05 पे और 13:42 पे
उसके बाद में यहाँ पर 14.48 पे और 15:12 पे, यहाँ पर 15.41 पे और 16:09 पे और 17.22 पे और 17.41 पे और 18.17 पे और 18.40 पे और 19.38 पे और 19.57 पे और 20.16 पे और जो 20.47 पे पेस्ट करके बाद में बैक करना है और से कैपिट ओपन कर लेना। तो यहाँ पर सेकंड शेक कैपिट पे टाइप करना है इमेज पे और यहाँ पे टाइप कर लेना है, यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करके बाद में बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करना है। यहाँ पर 14.30 पे आना है तो इस इमेज पे टाइप करना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करके इस पे टाइप कर लेना है, 1, 2, 3 को बंद करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर 16:48 पे आना है, इस इमेज पे टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करके पेस्ट स्टाइल पे जाकर ये ऊपर की 3 को बंद करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और 19.5 पे जो इमेज इस पर टाइप करना है यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पे जाना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब जो है लास्ट इमेज में टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है, पेस्ट स्टाइल पे जाना है, पेस्ट कर लेना है। तो इसके बाद में आप आपका वाटर मार्क जो भी ऐड करके यहाँ पर शेयर पे टाइप कर लेना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।